बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता करे और जो भी दुख दर्द तकलीफ है अल्लाह ताला उसको दूर करे। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी टेस्टी रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये है मिक्स दाल की वड़ियाँ, जो कि आप किसी भी सुपर स्टोर से ख़रीद सकते हैं, ये फैमिली मार्ट से भी बहुत आसानी से मिल सकती हैं और इन्हें घर में भी बनाया जाता है। बहुत सारे लोग इन्हें घर में ही बना के स्टोर कर लेते हैं। तो आज मैं इनका सालन बनाऊंगी, तो देखते हैं कि इनका सालन हम कैसे बना सकते हैं। तो एक बड़ा चम्मच ऑयल का मैंने डाल के रख दिया कुकर में। मैं इन्हें कुकर में बनाऊंगी क्योंकि ये कुकर में बहुत अच्छे से बनती हैं। तो प्याज जो थे वो मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए थे, मैंने अंदर लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दिया। मैंने अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैंने एक मीडियम साइज़ का जो टमाटर है वो काट के अंदर ऐड कर दिया है और मैं अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लूँगी। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मैं तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी मैंने कलवंजी ऐड की है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक आप कम यूज़ करें इसमें, क्योंकि जो वड़ियाँ होती हैं उनमें पहले ही नमक बहुत ज़्यादा जो है वो ऐड किया होता है, इस वजह से आप नमक कम यूज़ करें। मैंने वड़ियाँ ऐड कर दी हैं और मैं इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 3 मिनट तक आप इसे अच्छे से फ्राई करें मसाले के अंदर, और उसके बाद मैंने 1.5 लीटर पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि 1 कप में 1 लीटर आप पानी ऐड करें क्योंकि ये बहुत देर से गलती हैं जो वड़ियाँ हैं। तो मैंने 1.5 कप लिया था वड़ियों का और मैंने 1.5 लीटर पानी इसके अंदर ऐड किया है और मैं इसे 25 मिनट के लिए वेट लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाएं। तो मैंने वेट लगा दिया है और ये देखिए 25 मिनट तक मैंने इसे वेट लगाया है और ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो गल चुकी हैं जो वड़ियाँ होती हैं दाल की। मैं भी आपको चेक करवाती हूँ कि देखिए कितनी अच्छे से गल गई हैं। आसानी से टूट रही हैं। तो हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही झटपट से बनने वाला ये सालन है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया काट के ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी और इतना मज़े का ये बन गया है सालन। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।